दिल्ली DRC के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG VK सक्सेना बुधवार को बैठक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही इन दोनों से राजनीतिक कलह से ऊपर उठने और इस पर चर्चा करने को कहा था कि DRC का प्रमुख कौन हो सकता है। बता दें, अदालत इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को फिर विचार करेगी। LG और मुख्यमंत्री के बीच अभी तक बैठक इसलिए ना हो सकी क्योंकि केजरीवाल गैर भाजपा विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में थे। दरअसल DRC अध्यक्ष पद का काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आयोग राष्ट्रीय राजधानी की बिजली की दरें तय करता है। बता दें, नई नियुक्ति को लेकर आप सरकार और LG के बीच मतभेद भी जनवरी से ही चल रहा है। केजरीवाल ने जनवरी में इस पद के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन श्रीवास्तव ने जून में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यभार संभालने से खुद को अलग कर लिया था। 21 जून को मुख्यमंत्री ने नए DRC अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा के नाम की सिफारिश की थी। इस बीच केंद्र ने एक अधिसूचना के जरिए न्यायमूर्ति उमेश कुमार को इस पद पर नियुक्त कर दिया। आप सरकार ने इस नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया और कहा कि बिजली एक हस्तांतरित विषय है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार की ही अधिकार क्षेत्र में आता है। आम आदमी पार्टी ने बाद में इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। अब ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल और LG सक्सेना की बैठक के बाद DRC अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम आता है।